कुछ है, बाहर से पूरा देखो विंडो लगा हुआ है, विंडो फिर भी देखो पानी इधर से आ रहा है। देखो ये हमारा दोपहर का लंच आ गया है। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस नाम है। हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। हम बता रहे हैं, रियल बता रहे हैं, अगर 80 रुपये का थाली करके बेचोगे ना, इससे ज़्यादा बिक्री होगा। हम बता रहे हैं, बिक्री होगा। वेलकम टू कर्नाटका। ये चना आलू का सब्जी है और दाल है और अचार आम का अचार है ये। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप लोग? आप लोग का वापस से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बेंगलोर। तो अभी हम लोग है गुजरात के गांधीधाम रेलवे स्टेशन पर। आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं 16505 गांधीधाम बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन में। तो अभी बारिश भी हो रहा देखिए, और हमारी ट्रेन है जो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर लग गई है। तो अभी चलते हैं, बैग रखते हैं क्योंकि बारिश भी हो रहा। तो आज हम लोग स्लीपर क्लास में जर्नी करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने स्लीपर क्लास कोच की ओर, और जो हमारा कोच है S5। तो ये रही अपनी कोच की हालत, देखिए पूरा पानी लगा हुआ है बारिश की वजह से। और आज का जो हमारा सीट है 72 साइड अपर, और कोच का कुछ ऐसा हालत है भाई, देखो पानी गिरा हुआ, हो सके खिड़की वगैरह खुला होगा तो इसके वजह से पानी आ गया हुआ कोच के अंदर। देखिए पूरा कोच पानी से भरा हुआ है। और कुछ इंटीरियर कुछ ऐसा है, देखिए चार्जिंग के लिए वहाँ दिया हुआ है। लेकिन ये वाला विंडो तो अच्छा है भाई, फिर भी पानी कैसे आ गया? ये तो पूरा पूरा पैक हो जाता है, नीचे से पानी नहीं आता है, ऊपर से भी नहीं आता है। पता नहीं हो सके कोई खोल कर रखा होगा, कुछ ऐसा इंटीरियर है। कपलिंग किया जा रहा लोकोमोटिव का, तो यहाँ पे सब कुछ चेक कर रहे हैं लोको पायलट, लाइट वगैरह जो सिंगल वगैरह जो होता है उनका जो नियम है वो अपना पालन कर रहे हैं। और लोकोमोटिव है WDP4D। चलो भाई एकदम राइट। हमने गांधीधाम रेलवे स्टेशन से कुछ बाहर से कचौड़ी वगैरह पार्सल कर लिया था, क्योंकि सुबह का टाइम है तो भूख भी लगी है तो इसको खाते हैं। तो ये हमने बाहर से लिया था स्टेशन से सब्जी और कचौड़ी और पोहा, जिसको स्टेशन पे बैठ कर खाते हैं, उसके बाद डिपार्चर आपको दिखाएंगे। तो चलो भाई साहब, ट्रेन हो गया ऑन टाइम डिपार्चर। और भाई साहब देखो बारिश भी हो रही है पूरी। और कुछ लोग अभी भी दौड़ रहे हैं अभी चढ़ने के लिए। और हमने सोचा था कि जो खाना हमने पार्सल कराया था सोचा ट्रेन में खा के आपको रिव्यू देंगे, बट क्या करें भाई साहब, सुबह सुबह निकले थे तो भूख भी लगी थी बहुत, इसके वजह से खा लिया, क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। तो इस ट्रेन का टाइमिंग का बात करूँ तो ये जो ट्रेन है वीक में एक दिन चलती है ट्यूसडे को। ये जो ट्रेन है गांधीधाम से सुबह में 9 बजे चलती है, और ये अहमदाबाद, वडोदरा, कल्याण, पुणे, मिराज, हुगली होते हुए ये लगभग 1950 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो 32 स्टेशनों पर रुकती हुई ये समय लेती है लगभग 39 घंटे, जो अगले दिन रात को पहुंचाती है KSR बेंगलुरु 11:30। तो अभी हमने जो नंबर दिया रहता है उस पर कॉल किया है, भाई बहुत पानी है भाई, बहुत पानी पानी है, और इस नंबर पर हमने कॉल किया है। और बाकी लोग जो भैया लोग उनको बोल रहा हूँ कॉल करो, बोला हाउसकीपिंग वाले को किसको साफ किया जाए कोच को। 16505 जो हाउसकीपिंग वाले आ गए हैं कंप्लेन करने के बाद, देखिए पानी जो है बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, टान रहे उसको। तो आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं ऐसे मतलब जो भी समस्या होता है छोटा मोटा, आप लोग कंप्लेन करके उसका वो लोग आ जाते हैं, रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी मिलता है। अभी जस्ट 10-20 मिनट हुए कॉल किए हुए, और अभी हाउसकीपिंग वाला गए, कोच में हाउसकीपिंग वाला रहते हैं एक। पानी की वजह से सभी लोग लगेज है जो सीट के ऊपर रखे हैं, क्योंकि सब में पानी लगा हुआ था सीट के नीचे, इसीलिए सबके लगेज है अपना आप सब ऊपर रखे हैं, क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत पानी है अंदर में। तो भाई साहब पानी आने का रीज़न है देखो, विंडो के थ्रू से बाहर से पूरा देखो विंडो लगा हुआ है, विंडो फिर भी देखो पानी इधर से आ रहा है। देखो देखो
इसके वजह से देखो अभी अभी साफ किया हाउस कीपिंग वाले ने, देखो जस्ट अभी साफ किया, फिर भी देखो पानी आ रहा है। मतलब देखो इतना विंडो है, सबके साइड साइड से पानी आ रहा है। मतलब अगर बारिश होगी तो पानी आएगी, क्योंकि देख रहे हो कैसे पानी आ रहा है। देखो देखो बाहर के बाहर से आ रहा है कंटिन्यू। 30 मिनट से जो लगातार पूरा हैवी बारिश हो रहा है, देख रहे हो पूरा बारिश हो रहा, पूरा हैवी, जिसके वजह से कोच में भी पूरा पानी आ गया है। और वो जब तक बारिश होती रहेगी तब तक पानी आता रहेगा, क्योंकि विंडो में ही फॉल्ट है, विंडो के साइड से पानी अंदर आ रहा है। और बारिश देखिए पूरा दमदार बारिश हो रहा है एकदम। और देखो भाई ये S4 का कोच है, देखो कितना साफ है, देख रहे हो इसमें पानी नहीं आ रहा। और बाकी जो हमारा कोच है S5 भाई उसमें भी पानी आ रहा है। तो चलो भाई साहब हम लोग आ गए अहमदाबाद, और यहाँ से लोग देखो बोट करने वाले हैं। अब ये ट्रेन पैक हो जाएगी, भर जाएगी, क्योंकि देखो सभी लोग ये इस ट्रेन में ही बोट करने वाले हैं। जा उतरेगा। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग आ गए हैं अहमदाबाद जंक्शन, जो अच्छा रोड है ADI, और ये 9 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर बिफोर आ गए, यहाँ पर इसका टाइम था 1:55, लेकिन 1:40 पर आ गई है। और यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। और आपने हमारा कोच में देखा क्या प्रॉब्लम था, पानी का प्रॉब्लम था, बाहर का जो पानी बारिश का हुआ कोच के अंदर आ रहा था। तो अभी तो बारिश नहीं हो रहा, अभी अच्छा मौसम है, पूरा धूप निकला हुआ है। और आपको बता दूं कि एक और प्रॉब्लम है कि जो हमारे कोच में है जो S5 में, उसमें सप्लाई नहीं आ रहा है पावर सॉकेट में, जो चार्जिंग का जो सॉकेट है उसमें पावर नहीं आ रहा है। बाकी बगल वाले कोच में उसमें S4 में आ रहा है, S6 कोच में आ रहा है, लेकिन हमारे कोच में नहीं आ रहा है। तो उसका भी देखते हैं, जुगाड़ कंप्लेन करते हैं और उसको भी ठीक करवाते हैं। और आपको बता दूं कि अहमदाबाद है जो गुजरात का पहले राजधानी थी। 1970 से पहले ये अहमदाबाद राजधानी था गुजरात का, लेकिन 1970 के बाद चेंज करके गांधीनगर कर दिया गया, तो अभी गांधीनगर है गुजरात का राजधानी। बगल वाले प्लेटफॉर्म पे देखिए सोमनाथ एक्सप्रेस लगी है, जो अभी आई है। ये जम्मू तवी से अहमदाबाद के बीच चलती है, तो अभी जम्मू तभी से यहाँ अहमदाबाद के लिए आई है। टर्मिनेट हो गई, अभी जस्ट तुरंत आई। देखिए इसका लोकोमोटिव हटाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और भारतीय रेल का भी यह एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। तो चलो भाई ट्रेन हो गया है डिपार्चर। बच्चा कहाँ जाएगा पेजल भाई? इधर का मौसम देखो कितना मस्त है, पूरा धूप निकला हुआ है, और उधर में तो पूरा बारिश हो रही थी। मैं मेरा कंफर्म है, तो भाई साहब अभी हमारी जो सॉकेट का कंप्लेंट किया था वो अभी बनाया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, शॉर्ट सर्किट है, जो MCB ट्रिप हो रहा है। इलेक्ट्रिकल साहब ने देखिए हाथ में क्या पकड़ा दिया है, उनका जो मल्टीमीटर और स्क्रूड्राइवर और क्लच दे दिए। और ये रहा, वो लोग कोच में गए हैं देखने के लिए सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है जो MCB ट्रिप कर रहा है। तो अभी वो लोग गए हैं जितना भी पावर सॉकेट है सबका स्विच ऑफ करने के लिए, कि भाई साहब MCB ट्रिप क्यों हो रहा है। आया चलो भाई साहब ये बन गया, अब सप्लाई आ रहा ना, चार्ज हो रहा ना। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं वडोदरा जंक्शन, और यहाँ भी लोग देखो बोट करने वाले हैं, बहुत लोग। और बारिश भी देखो हो रहा भाई साहब, बहुत बारिश हो रहा, बहुत।
तो हम लोग आ गए भारत का पांचवा सबसे बिजी रेलवे स्टेशन बड़ोदरा जंक्शन, जो स्टेशन बोलते BRC और छः प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और आपको बता दूँ कि गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर इसका टाइम था 3:40, लेकिन यहाँ पर आ रही है 4:10, मतलब आधे घंटे डिले, और यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। तो चलो भाई, ट्रेन हो गया यहाँ से रवाना। और यहाँ अभी ट्रेन चली थी, बट किसी ने चैन पुलिंग कर दिया था कुछ देर पहले। यहाँ 10 मिनट का स्टॉप में आधा घंटा रुकी रही ना। और बारिश देखो भाई, तो इस ट्रेन का थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि ये जो ट्रेन है 11 जुलाई 2002 को शुरू किया गया था, और जो इसका मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, और ये LHB रेक के साथ चलती है। और कोच पोजीशन और टिकट फेयर का बात करूँ तो इसमें फर्स्ट क्लास के 1 कोच है, और AC 2 टायर के 2 कोच है, और AC 3 टायर के 6 कोच है, और स्लीपर के 7 कोच है, और जनरल के 2, और इसमें पेंट्री कार भी है। तो हम लोग इस पेंट्री कार का खाना भी हम लोग ट्राई करेंगे। और आपको जो गांधीधाम से बेंगलुरु तक का जो टिकट फेयर है, कौन सा क्लास का कितना, आपका स्क्रीन पर शो करता होगा कौन सा क्लास का कितना है। रात का खाना का ऑर्डर लिया जा रहा था, तो हमने भी ऑर्डर दिया है। तो भाई हमने पूछा वेज थाली कैसे है, तो उन्होंने बताया कि भाई वेज थाली 120 रुपये का है, और अंडा थाली 130 रुपये, और चिकन थाली 150 रुपया। मतलब आपको पता ही है सब एक्स्ट्रा दाम बेचते हैं। तो हमने बोला कि भाई वेज स्टैंडर्ड थाली का दाम 80 रुपया है, तो बोला कि हाँ उसमें है, लेकिन एक पनीर का सब्जी है जो आपको उसमें नहीं मिलेगा। बोले ठीक है कोई नहीं। तो वो बोले कि 120 वाला में एक तो पनीर का सब्जी एक्स्ट्रा मिलेगा, और आपको जो 80 वाला है उसमें पनीर का सब्जी नहीं मिलेगा। बोले नहीं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए हमको, जो स्टैंडर्ड वेज थाली मिल है हमको वही चाहिए, उसमें सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। बोले ठीक है वो मिल जाएगा। तो बोले 1-1.5 घंटा में सर्व हो जाएगा। तो आपको देखते हैं रात का डिनर, जो आपको दिखाते हैं क्या मिलता है, कैसा खाना है। तो रात का हमने डिनर ऑर्डर किया था, तो हमारा खाना आ गया है। तो इसको हमने वेज स्टैंडर्ड वेज थाली ऑर्डर किया था, तो इसको देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। ये चना आलू का सब्जी है, और दाल है, और अचार आम का अचार है ये, और तीन पीस रोटी है, एक दो तीन पीस रोटी है, और एक दही। दही तो भाई पता है स्टैंडर्ड वेज थाली में ये रहता है। अगर आप ये स्टैंडर्ड वेज थाली बोल के अगर लेते हो तो आपको ये इतना मिलेगा, अगर नहीं बोलते हो जो ये लोग बेचते हैं अपनी खुद की मर्ज़ी से, तो एक इसके जगह में एक और सब्जी रहेगी जो पनीर की रहेगी, और 120 रुपये आपसे ले लेंगे। तो अभी हम लोग रोटी और सब्जी का टेस्ट बताने वाले हैं। रोटी और सब्जी का टेस्ट है, रोटी और सब्जी। और आपको बता दूं कि भाई जो खाना है वो पूरा ठंडा है, कोई गर्म नहीं है, ठंडा है। ना चावल गर्म है, ना दाल गर्म है, ना सब्जी है, ना रोटी भी सब्जी सही है, और तो दाल का भी। दाल को देखते हैं, दाल ठीक है, दाल भी सही है। सुप्रभात दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं महाराष्ट्र, जो रेलवे स्टेशन है मिराज जंक्शन। और अभी हम लोग आ गए हैं रेलवे के हिसाब से सेंट्रल रेलवे जोन में, और पुणे डिवीज़न में। तो इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है MRJ, और ये 6 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को 1886 में ओपन किया गया था, और यहाँ से एक ट्रेन जनरेट भी होती है। और हमने रात को ज़्यादा कुछ कवर किया भी नहीं था, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद ऐसे तो महाराष्ट्र में हम बहुत पहले इंटर कर चुके थे, जो हमने पुणे कल्याण ये सब को वलसाड़ को हमने स्किप कर दिया, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, और खाना खाने के बाद हमने सो भी गया था। तो यहाँ पर इसका टाइम था 7:55, लेकिन ये 7:30 बजे ही आ गई है, मतलब 15 मिनट पहले ही आ गई है, और यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। ये जो रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र के संगरेली डिस्ट्रिक्ट में रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर आपको खाने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, बड़ा पाव, इडली और पूड़ी वगैरह, कुछ फल वगैरह। तो चलो भाई, ट्रेन हो गया है यहाँ से रवाना अपने टाइम पर, और यहाँ पे हमने पोहा लिया है,
नाश्ता के लिए। ये जो रेलवे स्टेशन है पुणे और यशवंतपुर की लाइन पर है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है पुणे और यशवंतपुर की लाइन पर। तो ये है पोहा जो हमने मिराज से लिया है। नदी, वेलकम टू कर्नाटका। और ये आप लोग जो देख रहे हैं पवन चक्की, जो इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, जो हवा के दबाव से घूमती है, और इसमें भी टरबाइन लगा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है इसे भी। तो भाई साहब कर्व देखो, जो पूरी स्टार्ट से एंड तक की जो कोचेस है वो नज़र आ रही है पूरा। तो भाई साहब हम लोग आ गए लौंडा जंक्शन। तो 1390 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं लौंडा जंक्शन, जो स्टेशन कोड है LD। और ये 3 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। और आपको बता दूं कि ये कर्नाटका का बेलगामी डिस्ट्रिक्ट में ये रेलवे स्टेशन है। और हम लोग अभी रेलवे के हिसाब से साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में चल रहे हैं और हुबली डिवीज़न में। और यहाँ पर टाइम था 11:03, तो करेक्ट अपने टाइम पर आइए। और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। और अभी खाने का ऑर्डर भी हमने दे दिया दोपहर का, जो खाने का ऑर्डर लिया जा रहा था भेज थाली दिया है, स्टैंडर्ड भेज थाली। तो देखते हैं दोपहर में क्या खाना है, कैसा खाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलो भाई ट्रेन हो गया यहाँ से डिपार्चर। और आपको बता दूं कि यहाँ से एक वास्को डी गामा की तरफ लाइन भी जाती है जो गोवा। और ये जो रेलवे स्टेशन है भाई साहब ना, पूरा जंगल के बीच में, अगर साइड में साइडों साइड अगल बगल देखा जाए तो पूरा ये जंगल से घिरा हुआ है। तो ये हमारा दोपहर का लंच आ गया है, जो आपको बता दूँ 2 पीस रोटी दिया है, बड़ा बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो, देखो 2 पीस है। सब्जी चेंज किया गया है और दवा दाल भी थोड़ा क्वांटिटी कम, इसका आलू और लौकी और मटर का सब्जी है और क्वांटिटी इसका दाल का कम है। देखिए थिकनेस मोटा सही है बट कम है। राइस भी गर्म है और अचार और चपाती का साइज़ देख लीजिए, ये है चपाती का साइज और 2 पीस है। रात वाले में क्या था कि 3 पीस दिया था छोटा छोटा, इसमें 2 पीस है बड़ा बड़ा। तो चपाती हमको लगता है इधर से बोट किया होगा, बेलगामी वगैरह से कहीं से बोट किया होगा। तो चलिए अभी सब्जी और रोटी का आपको टेस्ट बताते हैं। और सब्जी सही है भाई, एकदम साउथ इंडिया का जो स्टाइल में सब्जी बनता है उसका स्टाइल में है। और दाल का टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दाल कम दिया है, क्वांटिटी कम इसका दाल का, दाल भी सही है, सही है। कल रात को जो हमने खाया था वो चावल गर्म नहीं था, कुछ भी गर्म नहीं था, अभी थोड़ा सही लग रहा है, मतलब खाना ताज़ा लग रहा है। तो चलिए इसको खा के गर्म कर। हम लोग जो दोपहर का खाना खाए थे तो आप लोग नोटिस किया होगा कि उस खाने में दही नहीं था। हाँ दही नहीं दिए थे, जब सर्व किया गया तो बोले दही कहाँ है, तो बोल रहे कि दही नहीं है, दही ख़त्म हो गया है, दही है जो पिछले स्टेशनों से बोर्ड नहीं किया है दही। हमें ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोच में जो उनका और भी जो स्टाफ है वो दही बेच रहे घूम घूम के, और बोल रहे कि दही नहीं है, दही ख़त्म हो गया।
ठीक है, अगर दही नहीं था तो उसके जगह में आप एक चपाती एक्स्ट्रा दे दे, जो दो चपाती था उसके जगह में एक चपाती एक्स्ट्रा दे दे, कहीं ना कहीं मेकअप कर देते उसको। नहीं, इनका मतलब हो गया कहीं ना कहीं से चुराओ बचाओ। ठीक है, जब पेमेंट लेने आएंगे तो बोलूँगा भाई आपको 20 रुपये कम दूंगा, वो बोले इनकी हो तो बोले आपने दही मुझे दिया नहीं, तो उस टाइम ठीक ऑटोमेटिक दही आ जाएगा, देखना। दोनों थाली का है ना, दोनों थाली के दिए ना, तो आपने दही नहीं दिया था, आपने दही नहीं दिया था, दही नहीं चढ़ा यार, अब खाना ही नहीं चढ़ता तो फिर आप दही देखिए बेच रहा, आपके स्टाफ ही बेच रहा, आपके स्टाफ वाला बेच रहा, 10 काट के दे देना, ठीक है आपको मैं 10 काट के दे देता हूँ, वो आपकी इच्छा, एक भी मत दो। नहीं दूंगा, कहें आपने बिल दिया दूंगा, बिल तो दे नहीं, लेकिन 80 रुपये में तो वो भी तो आता है ना, दही कभी तो बेटा आता है। चढ़ पाया तो बताओ आप क्या इसकी कारण, आपका स्टाफ जो बेच रहा है वो आप नहीं देते खाना, बोला दही नहीं आया नहीं दे पाऊंगा, नहीं ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन ठीक है दही नहीं, उसके जब एक चपाती एक्स्ट्रा देते, दो चपाती दिए था, आप बोलते, आप ये आप करोगे ना, हम क्यों बोलेंगे, आप बताओ। ये तो भैया आपकी च्वाइस रहती है, आप ये बोलते हमको चावल एक्स्ट्रा दे दो उसकी जगह, नहीं ये आपने, आपको पता है दही नहीं चढ़ा, मैंने आपको क्या बोला, मैंने खाना देने से पहले बोला, आप बोलते इसकी जगह और कुछ चाहिए, मैं दे देता, आपको नहीं सोचते आप सोचते कि चलो दही नहीं दिया है आपके चपाती एक्स्ट्रा दे दो उसमें, मेकअप कर देते हैं, 160 हो रहा है 150, आप लोग तो ओवर प्राइस में बेच भी रहे हो, ओवर प्राइस में बेच भी रहे हो, 150 खाना है यार, एक जो हमने वही तो बिल तो आप तो जो बड़ी निकालोगे उसका क्या है, हम बता रहे हैं रियल बता रहे हैं, अगर 80 रुपये का थाली करके बेचोगे ना इससे ज़्यादा बिक्री होगा, हम बता रहे हैं बिक्री होगा, मेरी बात सुनो बड़े भाई। तो लो भाई खाने का बिल भी आ गया, देखो आप, और इसमें लिखा भी है ट्रेन नंबर 16505 और 6006, तो हमने दो थाली खाया था तो 160 रुपया। वो अगर आप लोग खाना वाना खाते हो तो भाई बिल लेना, और स्टैंडर्ड भेज थाली का आपने डिमांड करना, नहीं तो आपने सुना कि 120 रुपया में पनीर का जो सब्जी आता है एक्स्ट्रा, वो भी उसका भी बिल मिल जाएगा, आपने सुना सबका बिल मिल जाएगा, तो आजकल सबका बिल का व्यवस्था है क्योंकि समझ रहे हो आप लोग, तो इसीलिए स्टैंडर्ड भेज थाली का डिमांड करें, जो भेज बिल जो सादा रहता है। तो अभी एक वंदे भारत का स्किप होने वाला है, तो आप लोग इसका स्किप देखिए, वंदे भारत का, तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं हुबली जंक्शन, यहाँ से कुछ लोग बोर्ड भी करने वाले हैं अब बेंगलोर जाने के लिए, तो हम लोग आ गए हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन, जो स्टेशन कोड है UBL, और ये 8 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन को ईयर 1886 में ओपन किया गया था, और आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर, तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का जो किताब है इसी के पास है, हुबली के पास, इससे पहले था गोरखपुर, लेकिन अभी एक नंबर पर है ये हुबली जंक्शन, और यहाँ पे भाई इसका टाइम था 2:10, लेकिन ये बिफोर आ गया 10 मिनट, ऐसे भी हमारी जो ट्रेन है वो बिफोर ही चल रही है, और यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है, तो भाई ऑन टाइम ट्रेन हो गया है यहाँ हुबली से रवाना, श्री श्री सिद्धार्थ स्वामी जी हुबली जंक्शन। अभी जो ट्रेन निकल रही है वास्को डिगामा एक्सप्रेस, जो हम लोग इस ट्रेन में जर्नी कर चुके हैं, जो यशवंतपुर से वास्को डिगामा और वास्को डिगामा से यशवंतपुर के चलती है। देखिए कोच पूरा खाली हो गया, ज़्यादातर खाली हो गया, मैक्सिमम लोग उतर गए, जो बचे हैं सब यशवंतपुर या बेंगलोर जाने के लिए, और कोच का जो साफ़ सफाई है वो बढ़िया है, देखिए अभी भी टाइम टाइम जगह जगह जो है कोच का और बाथरूम का साफ़ सफाई किया जा रहा है, तो सही है साफ सफाई भी, इस ट्रेन का मेंटेन सही है। अब वो क्या नाम है आपका,
प्रिंस, प्रिंस नाम है। कहाँ से? गुजरात से आ रही हो? प्रिंस, प्रिंस, प्रिंस नाम है। बेंगलोर जाओगी? बेंगलोर जाओगी? बेंगलोर कहाँ से आ रही हो? अहमदाबाद? गांधीधाम? गांधीधाम से आ रही हो? गांधीधाम वाटर बोतल, पानी बोतल, पानी बोतल। बहुत हम तब से ही हमसे बात कर रही है, तब से बात कर रही है। बहुत मतलब नटखट नटखट बच्ची है। तो चलो भाई, ओम टाइम हम लोग आ गए हैं KSR बेंगलुरु और एकदम ओन टाइम पहुंचा है भाई, ओन टाइम। तो भाई साहब हम लोग आ गए ऑन टाइम KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, और ये था गांधीधाम बेंगलुरु एक्सप्रेस का ट्रेन जर्नी। आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस ट्रेन का खाना भी सही था और क्लीनिंग जो मेंटेनेंस भी था साफ़ सुथरा वो भी सही था। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं एक और नए ब्लॉग वीडियो में, तब तक ये टाटा बाय बाय।